हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ। कल मैं अपना वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, बच्चे परेशान कर रहे थे। परेशान करने के पीछे भी एक रीज़न था, पर ये लोग तो परेशान जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे। मेरा एक और कारण था, कल मेरे देवर की डेथ एनिवर्सरी थी। कल हम लोग का थोड़ा सा नहीं था कोई चीज़ मन, तो उसमें भी नहीं किए। परसों पांडे जी का बर्थडे था, तो वो कल अपने ऑफिस में पार्टी देना चाह रहे थे, लेकिन कल नहीं दिए। कल उनका मन नहीं था तो वो नहीं किए। और मेरे बच्चे पर वेदू को मेरे चोट लग गई है, तो उसका चोट बहुत ज़्यादा लग गया है। जो मैं इससे पहले वीडियो में बताई थी कि वो कार से गिर गया था। कार में हुआ क्या था एक्चुअली, वो उसको मैं कार में रख के, पांडे जी देख रहे थे दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे परेशान करने लग जाते हैं जब गाड़ी में रहते हैं अकेले। और चलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, चलते रहते हैं, तो हम लोग दो लोग रहते हैं देखने के लिए। लेकिन दोनों बच्चे थे और दोनों फ़ोन छोड़ के गए थे, जबकि मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर चली गई। और बाहर जाने के बाद जब मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे लेट हो रहा था सामान लेने में, क्योंकि लोग भी थे और वो जल्दी नहीं कर पा रहे थे भैया, तो इस वजह से भी लेट हो रहा था। नहीं होने की वजह से काफ़ी लेट हो गई। और खिड़की खुली हुई थी, कार बंद थी तो खिड़की खुली हुई थी ताकि दोनों बच्चे खेल सकें। और खेल खेल में ही कब मेरा विदू खिड़की से कूद गया। कूद जाने से उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई। पांडे जी ड्राइविंग सीट पे थे और बच्चे दोनों दूसरी सीट पे थे, पैसेंजर सीट पे। तो उसमें दोनों ही एक साथ खेल रहे थे और ये लोग विंडो के बाहर देख रहे थे। ये अगर पता होता कि कूद जाएगा तो वो छोड़ते ही नहीं कभी उसको, लेकिन वो नहीं ध्यान दिए उधर, और उधर वो कूद गया, गाड़ी में से कूद गया। और जब कूद गया तो उसको बहुत चोट लग गई। पूरा उसका माथा स्वेलिंग आ गया था, छिल गया है पूरा गाल वाल सब, कान वन एक साइड का पूरा उसका जितना होता है वो छिल गया है। वो काफ़ी दर्द में था, और वो दर्द में है तो अभी भी गोद में ही है। वो सो नहीं रहा है, वो दो दिन हो गए हैं उसको, लेकिन वो परेशान है बहुत। उसका बच्चा है छोटा सा, छोटे से बच्चे को इतना चोट लग जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो रात को सो नहीं रहा है, अभी अपने डैडी की गोद में है, वो गोद में लिए हुए हैं, तो मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। वो बहुत रोया, बहुत रोया। मैं उसे रोने के बाद तुरंत हम लोग वहीं से गाड़ी में बिठाया और मैं सामान छोड़ाई। पर मैं दोनों फ़ोन छोड़ के गई थी, तो जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पा रहे थे मुझे बुलाने के लिए। तो वो दोनों बच्चों को गाड़ी में बंद करके फिर मेरे को लेने के लिए गए कि चढ़ लो, बहुत चोट लग गई है उसको। सामान वामान छोड़ दिए, हम लोग नहीं लिए और आ गए हम लोग। फिर उसको लेके गए क्लिनिक पे, पहले दवाई लिए तुरंत उसको लगाने के लिए। और इतना चोट लगा था कि डॉक्टर के पास जाने का इतना समय नहीं था, हम लोग सोचे कि तुरंत दवाई लेके इसको लगाए। तो उसके बाद वो एक पेन रिलीफ सिरप दिया बच्चे के लिए और एक सुप्रामेसिन लगाने के लिए दिया, तो वो लगा दिए। और लगाने के बाद थोड़ा सा वो दवाई पिलाए उसको, दवाई वो जल्दी पीता नहीं है, ज़बरदस्ती उसको दवाई पिलाए। दवाई पिलाने के बाद फिर वो सो गया गाड़ी में। जब वो सो गया तो फिर कुछ देर तक हम लोग फिर बाहर आए, तो कुछ कुछ थोड़ा मैं सामान लिए। सो गया जब, तब नहीं सोता तो शायद हम सामान नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत चोट लगी हुई थी। बच्चा बहुत छोटा है मेरा, और उसको चोट लग गई तो भैया भी परेशान हो गया, वो भी चुप हो गया। वो देखा कि इसको चोट लग गई है ज़्यादा। मेरा बड़ा बेटा जो है वो कभी कभी बहुत समझदारी जैसे बिहेव करने लग जाता है, कभी कभी तो बहुत बदमाशी भी करता है, लेकिन कभी कभी बहुत समझदार बन जाता है। अगर विदु रो रहा है तो उसका आंसू पोछेगा वो, उसको चुप कराएगा और उसको पानी ला के पिलाएगा। वो बहुत कोशिश करता है अपनी तरफ से। अगर मैं उसको डांट रही हूँ, मार रही हूँ, तो मेरे पर चिल्लाएगा कि मत डांटो उसको। और दोनों के साथ है ऐसा, मैं भैया को डांटूंगी तो वेदू चिल्लाते हैं, और वेदू को डांटो तो भैया चिल्लाते हैं। ये दोनों मतलब अपने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेरा यही था कि मैं बता सकूं कि वेदू को मेरे बहुत चोट लगी थी, बहुत परेशान हुआ था। उसके बावजूद मंदिर में ले गई थोड़ा, तो मंदिर में खेलने लगा, चोट भूल गया था वो। तो मैं इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करूँगी। मैं अपना सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक पी रही हूँ। इस ड्रिंक में है, मैं ये सुबह सुबह जो पीती हूँ इसमें है अजवाइन, नमक और नींबू। ये मैं बॉईल करके फिर एक कप बनाती हूँ और पीती हूँ। ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, बहुत हेल्दी है। अगर आपका पेट सही नहीं है तो उसके लिए भी बहुत सही है अजवाइन तो, खैर। और पेन रिलीफ के लिए भी है, अगर आपको कोई पेन हो रहा है तो, आप पेट वगैरह का दर्द है या कुछ भी है प्रॉब्लम, तो अजवाइन तो घरेलू नुस्खे में ही आता है, तो आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी टेस्टी होता है। इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।